नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर अजय गिरचय इलेक्ट्रॉनिक्स से। आज मैं आपको सीआरटी टीवी जो सोनी कंपनी का उसके बारे में आपको जानकारी देंगी। ये मेरे पास सेट आया है, ये पूरा डेड सेट है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो इसका मॉडल नंबर के ऐप पहले आपको ये बता देता हूँ, सोनी AZ212M83। ठीक है, और 108 वाट का है। तो अब इसका वीडियो में बनाना शुरू करता हूँ। हाँ, तो देखिएगा, मैंने ये सप्लाई लगा दी इसमें। ये देखिए, यहाँ पर ये मेरा मीटर है, मीटर पर ये देखिए, मैं एसी नाप रहा हूँ। यहाँ पे ये आ रहे हैं 230 वोल्ट, देखिए आप, ये 230 वोल्टेज दिख रहे हैं, ये यहाँ से नाप रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पर मैंने ट्रेस किया, फिर मैंने ट्रेस किया तो यहाँ से एक फ्यूज लगा हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये यहाँ से एक फ्यूज लगा हुआ है, ये वाला, सॉरी, ये फ्यूज लगा हुआ है यहाँ से, यहाँ यहाँ से ये फ्यूज है। ये लिखा है F600, ये इसका फ्यूज है, ये फ्यूज उड़ा हुआ है। अब मैंने ये फ्यूज जोड़ दिया, उसको जोड़ के इसको वापस लगाता हूँ। देखिए, मैंने लगा दिया, अब मैं इसके मैं प्लग लगा रहा हूँ। ये प्लग मैंने लगा दिया, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये यहाँ पर ये आ गया वोल्टेज, ये इस पर फिर देखिए, मैं प्लग लगा रहा हूँ। ये प्लग लगाते ही साथ मेरा देखिए ये बल्ब जल गया, नीचे सीरीज लैंप वाला बल्ब जो है वो चालू हो गया। इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये बंद हो गया। तो यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट है, क्या शॉर्ट सर्किट है ये देखना पड़ेगा अपन को। तो कैसे, किस तरीके से देखा जाता है, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। आप अपने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे लगाइएगा और देखिए बिसेल आ रही है, इसमें बीप आएगी, आप यहाँ चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है कि नहीं ये चेक करना है अपन को। ये देखिए, माइनस प्लस देख रहे हैं, ये नहीं बता रहा, ये बता रहा है, माइनस प्लस ही बता रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये शॉर्ट बता रहा है, ये अलग अलग है, ये शॉर्ट बता रहा है। इस ब्रिज रेक्टिफायर को मैंने निकाल के देखा, ये सही है, निकाल के नहीं देखा, इसमें देखा कि ये सही बता रहा है। अब देखिए, मैं इसको ओपन करके बताता हूँ आपको कि ये प्रिंट जो है एसी सप्लाई के कहीं पर शॉर्ट है। देखिए, यहाँ पर ये मेरे को एक डायोड लगा दिख रहा है, इसको देखते हैं ओपन करके, इसके एक पॉइंट को ओपन करते हैं। हमेशा कभी भी काम करो इसी प्रकार से चेक करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट सर्किट कहाँ है, कैसे ढूंढना है, ये आपको आना चाहिए। देखिए, मैंने ये डायोड ये लगा हुआ है, ये डायोड निकाल दिया। अब मैं मीटर से नापता हूँ कंटिन्यूटी इसकी, ये अभी बता रहा है भी। अब देखिए, मैं यहाँ से यहाँ नाप रहा हूँ, ये नहीं बता रही अभी भी। अब देखिए, कहीं भी बीप नहीं आ रही किसी प्रकार की, ये यहाँ पे ये शॉर्ट होने का बता रहा है अभी। इसको भी चेक करते हैं, ये शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटर लगा, उसकी वजह से ही बता सकता है। तो पहले इसको देखते हैं, ये यहाँ पे क्या लगा है, एक डायोड। देखिए, ये डायोड मैंने अभी निकाला है, ये आ गया वो डायोड। ठीक है, ये है डायोड, ये डायोड ओपन तो मैंने कर दिया है, यह अभी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, परंतु ये देखिए, ये डायोड के दूसरे छोर पर बता रहा है। इसका मतलब ये डायोड, देखिए डायोड सही है, इसके ऊपर बता रहा, आगे बता रहा, यानी ये जो है यहाँ पर कहीं फॉल्ट है। देखिए, मैं इसके एसी पर लगा रहा हूँ ब्रिज रेक्टिफायर के, और ये यहाँ पर ये एसी आ रहा है जो यहाँ पर नाप रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पर डायोड के थ्रू बता रहा है, ये सब जगह बता रहा, शॉर्ट सर्किट बता रहा है। तो ये तो ठीक है अपना, इसको मैं जोड़ता हूँ। अब इसके बाद कंडीशन क्या आएगी, फॉल्ट यहीं पे है कहीं, ये आपको चेक करना है फॉल्ट कहाँ कैसे करना है। अब देखिएगा, इस लाइन को पकड़ के चलेंगे, तो इस लाइन को पकड़ के चलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये ऊपर देखिए एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये क्यू 605 ये लगा हुआ है एक, और यहाँ पे ये डायोड ये भी लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन ना करके यहीं चेक कर लेते हैं।
देखिए यहाँ तो बता, ये तो अभी बताने लगा। फिर अब मैं इसको निकाल के चेक करता हूँ। एक्चुअल में ये डायोड ही बता रहा है 60। देखिए मैंने ये निकाल दिया। अब इसकी कंटिन्यूटी नापते हैं पहले शुरू से। देखिए ये अब नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहा है। ये देखिए ये बताने लगा शॉर्ट। देखिए ये शॉर्ट बता रहा है। तो ये डायोड है, यानी किसी भी सप्लाई में कहीं भी कुछ हो सकता है। तो ये आपको चेक करना है कहाँ पे खराबी, कैसे ढूंढना है, ये आपको आना चाहिए। अब ये ख़राब हो गया है, इसको बदल देंगे। ये इसमें लगा किस कौन सा है ये भी चेक कर लेते हैं अपन। कौन सा लगेगा देखिए, इसमें लिखा है ये 5 60 65G लिखा है इसमें, ठीक है, इसमें डायोड। अब मेरे पास वो डायोड नहीं, मेरे पास ये है IN4007। इसी जगह लगा के देखते हैं। वैसे कूलेंट इसका देखना चाहिए, सबस्यूट निकाल के इसके बाद लगाएंगे। मैं अभी चेक करने के हिसाब से मैं ये लगा रहा हूँ ड्राइवर, ठीक है, IN4007, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन के लिए है। यहाँ पर ये अलग से इसके लिए सप्लाई गई होगी यहाँ से। अब मैंने ये ड्राइवर लगा दिया। अब इसको चेक करते हैं क्या पोजीशन है इसकी, कहीं चालू हो रहा है कि नहीं, क्या है। ये देखिए ये हो गया चालू से। देखिए इसमें आवाज़ आने लगी है, ये सप्लाई चालू है। नापते हैं सप्लाई, ये आ रही है कि नहीं। सबसे पहले तो यहीं पे देखते हैं। देखिए ये आने लगी है, यानी इस कैपेसिटर पे आने लगी है सप्लाई। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है अपना फिल्टर कंडेंसर, वहाँ पे सप्लाई आने लगी। अभी नहीं आ रही थी सप्लाई, तो ये अपन को पता लग गया कि खराबी क्या थी, ये डायोड ख़राब था। तो किसी भी LCD हो, LED हो, या CRT TV हो, या किसी भी पावर सप्लाई, सबसे पहले पावर सप्लाई में ये देखें कि शॉर्ट सर्किट क्या है। जहाँ कहीं भी कोई चीज़ शॉर्ट है, मान लो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, ये मान लो ये STR ख़राब है, तो इसकी सप्लाई पिन कौन सी है। देखिए ये आया यहाँ से, और ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर, तो ये यहाँ से इस पिन पर सप्लाई आई है। तो इस सप्लाई की पिन को ओपन करके देखें, इस सप्लाई की पिन को ओपन कर देंगे, उसके बाद में ये प्लग लगाएंगे, इन करेंगे, प्लग इन करेंगे, तो देखेंगे ये बल्ब नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा है यानी यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। आप वोल्टेज नापेंगे तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज बताएंगे, तो समझ जाइएगा कि ये सेक्शन पूरा आपका क्लियर फॉल्ट यहाँ का है। और जैसे ही इसको आप जोड़ेंगे, जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे, और आप देखेंगे बल्ब जलने लगता है और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो जब या इसको निकाल के अपन लगाते देखते हैं, यहाँ वोल्टेज आ जाते हैं फिल्टर के थ्रू, जो 300 साढ़े 300 वोल्टेज आते हैं वो आ जाते हैं। और जैसे ये STR का पिन जोड़ते हैं और वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो समझ जाइए कि ये ख़राब है। या और कोई कंपोनेंट्स लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, तो भी वो शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि IC ट्रांजिस्टर डायोड या जो भी ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए या IC लगी हुई, वो यही शॉर्ट होती हैं। रेजिस्टेंस कभी शॉर्ट नहीं होते, रेजिस्टेंस हमेशा ओपन होते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सप्लाई मेरे को चालू करनी है। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको मेरा ये वीडियो जो अभी मैंने बताया आपको, समझाया, आपकी समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार से ट्रेस कर सकते हैं और जो भी पार्ट्स खराब हो उसको बदल सकते हैं। यही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.